अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में टॉपिक पढ़ना है जो उसका नाम है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑप मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से मैनेज करनी है उनके बारे में बात होती है। तो अगर हम रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ की बात करें आफ्टर सर्जरी, तो उसमें तीन तरह के फेजेज आ जाते हैं एम्प्यूटेशन वाली सर्जरी के बाद। उसमें तीन फेजेस होते हैं। नंबर वन है आपके पास हीलिंग, जो सर्जरी से फेज स्टार्ट होता है और फर्स्ट फिटिंग ऑफ टेम्प्रेरी प्रोस्थेसिस तक वेरी करता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 to 8 weeks होता है। उसके बाद सेकंड फेज आपके पास आ जाता है मैच्योरेशन। उसमें क्या होता है कि टेम्प्रेरी फिटिंग या टेम्प्रेरी प्रोस्थेसिस से लेके डेफिनेटिव यूज़ ऑफ प्रोस्थेसिस, तो उसमें आ जाता है आपके पास जो ड्यूरेशन है वो 4 to 6 months तक ड्यूरेशन आ जाता है। फिर आपके पास थर्ड है डेफिनेटिव, जो सर्जरी के मतलब 4 to 6 months के बाद से टिल डेथ जो उसका रिमाइंडर लाइफ का पोर्शन होगा वो इसमें आ जाता है आपके पास। फिर इसमें आ जाती हैं कुछ चीज़ें कि सबसे पहले तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो एम्प्यूटेशन के पेशेंट होते हैं ना, ये हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट इन पेशेंट और एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स में इनका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि एडीमा है, एडीमा के अलावा मसल इम्बैलेंस है, पेन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है टू टच। और उसके बाद इसमें एल्डर एडल्ट्स जो होते हैं उसमें मेनली आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की। अब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉम्प्लिकेशन है एम्प्यूटेशन की। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या है? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें बीपी जो है वो सडनली फॉल कर जाए व्हेन अ पर्सन गेट्स अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग। तो बीपी का ड्रॉप हो जाना उसको कहते हैं आप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। उसके बाद आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं? आपके पास आ सकता है ट्रॉमा हो सकता है, कॉग्निटिव डेफिसिट्स हो सकते हैं, कीमोथेरेपी के साथ कोई पेशेंट आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जिसको ऑलरेडी कैंसर या ट्यूमर का कोई अंडरलाइन कॉज चल रहा था, तो उसमें जो है कॉम्प्लिकेशन आपकी ज़्यादा आ सकती हैं। उसके अलावा जो है आपने सबसे पहले तो इन पेशेंट्स में करना क्या होता है, उनकी फंक्शनल सोशल एक्टिविटीज़ और वोकेशनल कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट करना होता है। वोकेशनल कैपेबिलिटीज़ में आपकी आ जाती हैं टास्क एनालिसिस या फिर इंटरव्यू एंड जॉब सर्च, या उसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं आपके पास। उसके बाद है आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज आपको क्या करना चाहिए। एक तो सर्जिकल वूंड्स को इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, उसको फॉलो अप डॉक्टर के पास जाके उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन या आपको असेसमेंट करवानी चाहिए। और जैसे ही पेन जो है वो मैनेज हो जाती है या ख़त्म हो जाती है सर्जरी के बाद, तो उसी टाइम जो है प्रोस्थेसिस की आपको लगा देना चाहिए डॉक्टर को। उसके बाद रिटर्न प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि उनकी अगर प्रॉपरली स्टाफ की ट्रेनिंग हुई होगी इन हवालों से, तो उसमें ये होगा कि आप जो है जब भी असेसमेंट करवाने अपनी जाएंगे तो वो प्रॉपरली आपको पूरा जो है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके आपकी वूंड इंस्पेक्शन करेंगे, आपकी इंसीजन को चेक करेंगे, आपके सूचर्स को चेक करेंगे, उसके बाद जो है आपको मैनेजमेंट टेक्निक्स की तरफ लेकर आएंगे। फिर उसके बाद कुछ गोल्स होते हैं ऑफ पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले उसमें हम तीन चीज़ों की बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहले है फिज़िकल या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ऑफ पेशेंट्स। तो आपने जब भी गोल सेट करने हैं किसी ट्रीटमेंट के, तो उसमें फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं पेशेंट्स के उनको आपने प्रायोरिटाइज़ करना है, उसके रिगार्डिंग मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर आपने ट्रीटमेंट प्लान करना है। फिर आपके पास आ जाता है फोकस्ड अटेंशन ऑफ ईच नंबर ऑफ रिहैब टीम। उसमें आपके पास ये है कि मतलब हर जो रिहैब टीम का मेंबर है, जैसे फिजियाट्रिस्ट आया था, फिज़िकल थेरेपिस्ट है, प्रोस्थेटिस्ट है, नर्सेज हैं, या फिर आपके पास रिहैब काउंसलर्स आ जाते हैं, तो वो सारे जो हैं उनका फोकस सिर्फ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पेशेंट पे या उसकी कंडीशन पे होना चाहिए। उसको पूरा बैकग्राउंड नॉलेज पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को किस टाइम पर क्या किया गया था और आगे हमने क्या इम्प्लीमेंट करना है ट्रीटमेंट। फिर कोई भी सिंगल प्रोसीजर जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड है और आप हर पेशेंट पे यही इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे आपको इफ़ेक्ट आएगा। हर पेशेंट की कंडीशन दूसरे पेशेंट से वेरी करती। चौथा पॉइंट आपने जो मेन कंसर्न का होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो इस टीम में इन्वॉल्व होंगे उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, उनको के मतलब वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें, और उसके अलावा अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ट्रीटमेंट मेथड को चेंज करने की ज़रूरत पड़े, फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रीटमेंट से बेनिफिट नहीं आ रहा पेशेंट को, तो आप उसी टाइम जो है ट्रीटमेंट प्लान अपना चेंज कर दें। फिर इसके गोल्स पर आ जाते हैं,
गोल जिसके सबसे पहला होता है सर्जिकल वूंड को उसकी हीलिंग, सेकंड है रिड्यूस पेन और मिनिमाइज पेन, थर्ड आपके पास प्रोटेक्ट एम्प्यूटेटेड लिम फ्रॉम ट्रॉमा, फ्रॉम फर्दर ट्रॉमा या इंजरी से आपने उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, फोर्थ आपके पास है इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ, फिफ्थ आपके पास रिड्यूस स्वेलिंग एंड बिगिन द शेपिंग ऑफ एम्प्यूटेटेड लिम, मतलब उसकी कंटूरिंग जो है वो आपने किस तरह से स्टार्ट करनी है, सिक्स्थ आपके पास है एनेबल द पेशेंट टू लर्न प्रोस्थेसिस यूज, कि आपने पेशेंट को बताना है कि प्रोस्थेसिस जो है उसने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह लगाना है, किस तरह उतारना है, ये सारा कुछ। उसके बाद है सेवन बिगिन वेट बेयरिंग, एट्थ अचीव फंक्शनल एक्टिविटीज़ और नाइन्थ है आपके पास फैसिलिटेट साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। फिर आपके पास आ जाती है असेसमेंट, असेसमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको उसकी हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री में आप सबसे पहले जो मेन आपके पास जनरल हिस्ट्री में क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके पास एज आ जाती है, जेंडर आ जाता है, वेट है, डेट ऑफ एम्प्यूटेशन, डेट ऑफ रिवीजन, और उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस पर्टेनिंग टू द एम्प्यूटेशन, प्रीवियस प्रोस्थेटिक यूज़, करंट प्रोस्थेटिक कंसर्न्स उसके पेशेंट से क्या हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ का आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या क्या जो है डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकती हैं, को एग्जिस्ट कर सकती हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, होम एनवायरनमेंट, फैमिली एंड अदर सोशल सपोर्ट, इसी तरह फिर फिजिकल असेसमेंट आ जाती है। फिजिकल असेसमेंट में आपने एम्प्यूटेटेड लिम को देखना है कि उसमें उसका लेवल क्या है, एम्प्यूटेशन जहाँ पे आपने करनी है और लेग जिस भी लिम पे आपने एम्प्यूटेशन परफॉर्म करनी है उसकी लेंथ कितनी रिमेनिंग रह चुकी हुई है, ओवरऑल कंडीशन एंड गिर्थ, गिर्थ मतलब सर्कमफेरेंस आपने उसका मेजर कर लेना है, कंडीशन ऑफ द वूंड, स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन और पेन देखनी है, लोकल है या फैंटम पेन है। लोकल का मतलब है कि एक ही जगह पर लोकलाइज मिलेगी, कहीं स्प्रेड नहीं हो रही। फैंटम का मतलब होता है फैंटम पेन, ऐसी पेन जो कि उसको पेशेंट को लग रहा हो कि उसको पेन है एक ऐसे बॉडी पार्ट की जो वहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉल्स पेन भी आप इसको कह सकते हैं। फिर अदर असेसमेंट में आ जाता है स्ट्रेंथ, आपने दूसरे लिम्स की और ट्रंक की मेजर करनी है, रेंज ऑफ मोशन दूसरे लिम्स और ट्रंक की, फिर मैनुअल डेक्सटिलिटी, मैनुअल डेक्सटिलिटी क्या चीज़ होती है, एबिलिटी टू यूज़ हैंड्स इन अ स्किलफुल कोऑर्डिनेटेड वे टू अचीव एनी फंक्शनल एक्टिविटी या कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए या टू ग्रैस्प डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन, देखेंगे कि लंग्स और हार्ट का फंक्शन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, न्यूट्रिशनल स्टेटस, विजन, एबिलिटी टू स्टैंड ऑन द रिमेनिंग लेग, फिर वन लेग पे जो है उसको स्टैंड करवा के उसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में उसकी ओरिएंटेशन देखेंगे कि पर्सन, प्लेस और टाइम के हवाले से वो ओरिएंटेड है, अलर्ट है या नहीं है। उसके बाद कॉग्निशन जिसमें मेमोरी, मोटिवेशन और अदर इमोशनल कंसिडरेशंस। फिर आपके पास आ जाती है एम्प्यूटेशन लिम्ब, एम्प्यूटेशन लिम्ब में आपके पास पहले है सर्जरी, सर्जरी में सबसे पहले आपने देखते हैं कि एक तो पेशेंट की रिहैबिलिटेशन के लिए आपको किस तरह की सर्जिकल टेक्निक यूज़ करनी है, उसकी सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है। उसके बाद आपने उसमें देखना है कि कौन सी अप्रोच से जो है आपने सर्जरी परफॉर्म करनी है, मतलब कि जैसे ट्रांसटिबियल, डिफरेंट लेवल्स हमने पढ़े थे, ट्रांसटिबियल है, ट्रांसफेमरल है, तो आपने किस लेवल पर परफॉर्म करनी है या क्या अप्रोच यूज़ करनी है। सेकेंड आपके पास आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द एम्प्यूटेशन लेवल, या पॉइंट्स इस तरह से नोट कर लें, फर्स्ट आ गया अप्रोच टू सर्जरी या अप्रोच यूज्ड फॉर सर्जरी, सेकंड आपके पास आ गया प्रूडेंट सिलेक्शन ऑफ लेवल ऑफ सर्जरी, थर्ड आपके पास आ जाएगा प्रोस्थेटिक कंपोनेंट कि किस तरह का प्रोस्थेटिक कंपोनेंट यूज़ करना है या उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है या आपको प्रोस्थेटिक कंपोनेंट यूज़ करने की ज़रूरत है भी वहाँ पे या नहीं है। उसके अलावा फोर्थ आपके पास आ जाता है शेप ऑफ द रेजिडुअम, जो रेजिडुअम मतलब कि जो रिमेनिंग लिम्ब रह चुकी हुई है उसकी शेप आपने देखनी है। फिफ्थ
फिफ्थ आपके पास आ जाएगा कि आपने केयरफुली उसको रेंज ऑफ मोशन जो है एडजेसेंट लिम्ब की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास वूंड हीलिंग, फिर उसके बाद इंसीजन जो है, अगर सर्जरी के बाद इंसीजन जो है वहाँ पे कोई सूचरिंग ना हो, स्टेपल्स ना लगें, तो उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो ओपन इंसीजन या ओपन वूंड होता है, और अगर वहाँ पे सूचरिंग या स्टिचेस वगैरह लग जाएँ तो वो आपके क्लोज्ड वूंड होता है या क्लोज इंसीजन होती है। और फिर वहाँ पे इंसीजन के बाद ड्रेसिंग लगा दी जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग आपके पास आ जाती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एम्प्यूटेशन लिम्ब जो है ड्रेसिंग टेक्निक्स में सबसे पहले है वूंड हीलिंग। वूंड हीलिंग क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि जब भी आपने ड्रेसिंग अप्लाई करनी है तो उससे पहले आपने देखना है कि वूंड प्रॉपरली हील हो चुका हुआ है या नहीं हो चुका हुआ, वूंड ड्राई है या वहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा सा आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद मेजर पर्पजेज़ इसके ये होते हैं कि ये रिड्यूस करता है पोस्ट ऑफ पेन को, एडिमा को प्रमोट करता है आपकी हीलिंग, और वेल शेप्ड एम्प्यूटेशन लिम्ब आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट, कोई पेशेंट आपके पास पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ के साथ आता है जिसमें लोअर लिम्ब में आपकी सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड मिलती है, तो उसमें सबसे पहले आपने एडिमा या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग। सबसे पहले है आपके पास सॉफ्ट ड्रेसिंग। सॉफ्ट ड्रेसिंग में ये है कि इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है इलास्टिक बैंडेज। ये 4 to 6 inch का बैंडेज होता है और इसको आपने फिगर ऑफ एट की शेप में लगाना होता है, जहाँ पे भी आपने लगाना है। और उसके अलावा आपने या फिर फिगर ऑफ एट में या सर्कुलरी जो है आप इसको पोस्टीरियर साइड से शुरू करके इंटीरियर साइड पे मतलब ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद सर्कुलर टर्न्स इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बैंडेज जो है वो टेप के साथ आपने बैंडेज करके उसके ऊपर टेप से उसको वहाँ पे एडहेयर कर देना है। मेटल क्लैस्प जो हैं, अगर किसी सर्जरी में मेटल क्लैस्प लगे हुए हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि वो दूसरी जो है एडजेसेंट लिम्ब उसको टच होके उसकी स्किन को ना डैमेज करें। उसके बाद आपके पास आ जाता है इलास्टिक बैंडेज की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट बैंडेज है या ड्रेसिंग है, इनएक्सपेंसिव होता है ये, और उसके अलावा ट्रांसटिबियल लिम्ब में जो है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि ये रीअप्लाई किया जा सकता है बार बार, मतलब एक टाइम पे अगर किसी पेशेंट ने शावर लेना है तो आप उतार दें और उसके बाद जो है दोबारा से उसको लगा लें, तो उसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट ज़रा आप कह लें कि कम हो सकता है। सेल्फ बैंडेज, मतलब इसमें टेक्निक पेशेंट को सिखाई जा सकती है कि वो इसको खुद रिमूव करके दोबारा लगा सकता है, तो सेल्फ बैंडेज में प्रेशर डिफरेंस आ सकता है कि पहले थेरेपिस्ट ने लगाया तो प्रेशर, जिस प्रेशर से उसने वो लगाया बैंडेज वो प्रेशर और था, और जब पेशेंट ने खुद से लगाया तो वो प्रेशर वेरी कर गया और उस वजह से जो है वो सही तरह बैंडेज लग नहीं सका और उसकी हीलिंग जो है या एडिमा जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ। स्किन ब्रेकडाउन वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ट्रॉमा हो सकता है रेजिडुअल लिम्ब को, स्पेशली इन द पेशेंट इफ़ द पेशेंट फॉल्स, अगर उसमें हिस्ट्री मिल रही है आपको गिरने की। फिर आपके पास सेकेंड आ जाती हैं श्रिंकर सॉक्स। अब श्रिंकर सॉक्स क्या हैं? ये होती हैं, लेंथ और विड्थ में वेरी करती हैं, डिस्टल एंड जो है इनका एकोमोडेट करता है कॉनिकल, डिस्टल एंड जो है जब आपने लगाई कि प्रॉक्सिमल से शुरू किया डिस्टल एंड तक आप बैंडेज लेकर आए तो क्या होगा, वहाँ पे डिस्टल एंड पे ये कॉनिकल या सिलेंड्रिकल शेप में आके ख़त्म होती है या टर्मिनेट होती है। ये ट्रांसटिबियल सॉक जो होती है वो यूनिफॉर्मली निटेड होती है, और इसमें ट्रांसफेमरल सॉक जो होती है वो लूज निटेड होती है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाते, इसका अल्टरनेटिव है इलास्टिसाइज्ड फैब्रिक ट्यूबिंग जो कि एम्प्यूटेटेड लिम्ब पे लगाई जाती है, जिसको ट्विस्ट करके तो फिर लगाया जाता है। उसके बाद इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, ये मोर इफेक्टिव होती है देन इलास्टिक बैंडेज। और इसकी डिसएडवांटेजेस हैं फिर कुछ कि ये एक तो
डिस्प्लेस नहीं कर सकती स्टेपल्स या सूचर्स को, मतलब उसका अल्टरनेटिव के तौर पे नहीं यूज़ किया जा सकता है इसको। और उसके बाद ये जो है रीअप्लाई नहीं किया जा सकता, मतलब कि आपने एक दफ़ा रिमूव कर दिया तो उसके बाद आपको फ्रेश श्रिंकर सॉक ही लगानी पड़ेगी। रिसोर्सेज इसके क्या क्या हैं, मैन्युफैक्चर इनको जो कंपनीज़ करती हैं उसमें जॉनसन एंड जॉनसन है और अदर कंपनीज़ आ जाती हैं। तीसरी आपके पास आ जाती है सेमी रिजिड ड्रेसिंग, अब जो सेमी रिजिड ड्रेसिंग है उसमें आपके पास सबसे पहले है ऊना सॉक या ऊना बैंडेज। उसमें क्या होता है कि ये जो है गॉज बैंडेज होती है, मतलब जैसे वो आप कह लें नेट टाइप एक आपके पास होती है बैंडेज, और इसमें आपके पास जिंक ऑक्साइड या कैलमिन और जेलेटिन और ग्लिसरीन, ये चारों केमिकल्स या सब्सटेंसेस आप कह लें कि इस बैंडेज में ऑलरेडी लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो है एडिमा या हीलिंग को ये प्रमोट, एडिमा को कंट्रोल करते हैं और हीलिंग को प्रमोट करते हैं। उसके बाद है इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि ये जो है फास्टर मतलब बाकी दोनों बैंडेजेस से जो है एडिमा को कंट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है, फास्टर इसकी हीलिंग होती है और वूंड हीलिंग में भी जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं, डिसएडवांटेजेस में है कि कुछ ऊना बैंडेजेस में ना एक पेंसिल टाइप मटेरियल लगा होता है उसके नीचे, तो वो पेंसिल क्या होता है कि अगर वो किसी में बैंडेज लगाया जाए और वो इतना उसकी स्किन जो है वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए वो पेंसिल लग लग के अंदर बैंडेज की, तो उससे जो है ये डिसएडवांटेज है कि ये, और दूसरा ये कि ये मोर एक्सपेंसिव है और स्किन ब्रेक डाउन कॉज कर सकता है। फिर आपके पास आ जाता है इसमें सेमी रिजिड ड्रेसिंग में दूसरा है एयर स्प्लिंट। एयर स्प्लिंट क्या होता है कि इसमें ही होता है प्लास्टिक स्प्लिंट होता है। प्लास्टिक इसमें मटेरियल क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक को एक तो रस्ट फ्री होता है ये मटेरियल, और दूसरा ये कि इसमें जो है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो केमिकल इसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से जो ये है प्रमोट करते हैं एडिमा रिडक्शन को और उसके अलावा वूंड हीलिंग को प्रमोट डिक्रीज करता है। इसकी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस में ये है कि ये एडिमा को जो है वो रिड्यूस करता है और वूंड हीलिंग को प्रमोट करता है। उसके बाद ये है एकोमोडेट करता है लिम्ब वॉल्यूम को, अगर कहीं पे जो लिम्ब वॉल्यूम है वो वेरी कर रहा है कि एम्पिटेशन के बाद जो है एट्रॉफी शुरू हो गई है किसी वजह से, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, तो उस लिम्ब वॉल्यूम को ये एकोमोडेट कर लेता है अगर वहाँ पर आपने ये बैंडेज लगाया हो तो। उसके बाद इसका एलुमिनियम फ्रेम होता है एक, और ये जो है प्रोस्थेटिक फिटिंग का टाइम जो है वो रिड्यूस कर देता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस होती हैं, ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा सा डैम्प होता है, इस वजह से ये जो है वहाँ पे आप कह लें स्वेट को भी ट्रैप कर सकता है स्किन के और बैंडेज के दरमियान में, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा ये आपकी हीलिंग को डिसरप्ट कर सकता है। उसके बाद रिसोर्सेज में ये हैं डिफरेंट कंपनीज इनको बनाती हैं, उसमें आपके पास आ जाती हैं मोबिलिटी एड, PPAM, मार्क 11 और हॉस्मर डोरेंस कंपनी। फिर आपके पास इसमें तीसरी टाइप आ जाती है सिलिकॉन लाइनर्स। सिलिकॉन लाइनर्स क्या होते हैं कि ये रोल ऑन सिलिकॉन मटेरियल होता है एक, और इसमें ये होता है कि सर्कमफेरेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड आप ये लगाते हैं कि प्रॉक्सिमल लिम्ब से स्टार्ट किया और डिस्टल, अगर आपने गुलाई में लगाना है बैंडेज तो आपने पोस्टीरियरली या प्रॉक्सिमली उसको स्टार्ट किया, इंटीरियरली या डिस्टली उसको ले आए। तो उसके बाद इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये जो है एडवांटेजेस में कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करवाता है और पोस्ट ऑफ एडिमा को कंट्रोल करवाता है, और डिसएडवांटेजेस में ये भी इसका भी यही रोल होता है कि ये ट्रैप कर लेता है स्वेट को, और इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये होती हैं कि ये स्किन ग्राफ्ट की कंडीशन में आप नहीं लगा सकते, पुअर या PVD पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ और पुअर ब्लड फ्लो की कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, नेक्रोसिस हो, इन्फेक्शन हो या एलर्जी टू परस्पायरेशन मतलब स्वेट। उसके अलावा लास्ट इसमें आपके आ जाती है रिजिड ड्रेसिंग लास्ट टाइम। रिजिड ड्रेसिंग में ये होता है कि प्लास्टर या फाइबर ग्लास कास्ट होता है, और इसमें ये होता है कि ऑपरेटिंग रूम में ही इसको बैंडेज को लगा दिया जाता है। फिर इसमें आपके पास ये जो है नी एक्सटेंड करता है नी तक, और उसमें सर्कुलर ओपनिंग होती है पटेला तक, और प्रिवेंट करता है आपकी फ्रेजाइल स्किन के ब्रेकडाउन को।
उसके अलावा इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये आता है कि ये माइल्ड प्रेशर जो है वो अप्लाई करता है ताकि उससे एडिमा कंट्रोल हो सके, प्रमोट करता है आपकी हीलिंग को और शेप करता है आपकी लिम्फ को। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस इसकी हैं कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, एक्सेसिव ड्रेनेज कॉज कर सकता है, और आपकी अगर इसको रिमूव करने के बाद कोई इसको रिमूव कर देना चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम या एट्रोफी या ब्लीडिंग या कुछ भी वहाँ पर शुरू हो जाए। और इसमें एक और इसकी मतलब इसी की फर्दर रिजिड ड्रेसिंग की टाइप होती है, रिमूवेबल रिजिड ड्रेसिंग। उसमें क्या होता है, ये कस्टम मेड प्लास्टर होता है और इसको पोस्टीरियर पोर्शन पे लगाया जाता है और ये माइनर जो है सर्कमफेरेंशियल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, अच्छा ये जो है रिमूवेबल रिजिड ड्रेसिंग इसका नाम इसलिए ये है क्योंकि ये 24 आवर्स के बाद आपको रिमूव करना ही करना है। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस इसकी ये होती है रिमूवेबल रिजिड ड्रेसिंग की कि ये हॉस्पिटल स्टे को रिड्यूस कर देता है और डिस्चार्ज पेशेंट के डिस्चार्ज के टाइम को जल्दी मतलब ले आता है, पेशेंट को डिस्चार्ज जल्दी कर दिया जाता है इस ड्रेसिंग की वजह से। वो क्यों, क्योंकि इसको ऑपरेटिंग रूम में ही सर्जरी के फौरन बाद ही ये प्लास्टर लगा दिया जाता है। उसके बाद है रिमूव डिसएडवांटेजेस हैं, ये इनइफेक्टिव है, इतना जो है एडिमा को कंट्रोल नहीं कर सकता, हीलिंग को इतना प्रमोट नहीं करता जितने बाकी जो हैं बैंडेजेस या ड्रेसिंग्स प्रमोट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा ये था, अगले दफ़ा इसका रिमेनिंग पोर्शन में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस किस तरह से लगाना है और उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।